हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सर्दियां शुरू हो गई हैं और मेरी बुआ ना सर्दियों में ब्रेकफास्ट में अलग अलग तरह के पराठे बनाती हैं डेली। जैसे कि आज बुआ ने बनाए हैं गोभी के पराठे और कल बुआ ने बनाए थे मूली के, उससे पहले बनाए थे बुआ ने आलू के पराठे। तो अब सर्दियों में हमें रोज रोज पराठे खाने को मिलते हैं। और सुबह सुबह काजल दीदी को काम दे रखा है, ये देखो काजल दीदी ने कितना सारा साग काटा है। कैसा लगा सुबह सुबह साग काटने को मिल गया और हमें पराठे मिल गए? मैं तेरी बेइज्जती कर दूंगी। कर दे के पराठे ना सब याद कर, मैं घर जाके बहुत याद करती हूँ। बुआ के पराठे बनते ही नहीं है, फोन कर करके पूछती हूँ बुआ क्या डालती हो, क्या क्या डाला तुमने, वो बनते ही नहीं है ऐसे पराठे यार। बुआ तुम अपना ढाबा खोल लो अलग से, पराठे और कचौड़ी का खोल लिया ना के पराठे फेमस हो जाओगी तुम। है बुआ पराठे होगा सोची, मैं हर तरह के पराठे बना के भेज। हाँ बुआ को हर तरह के पराठे बनाने आते हैं। एक एक सोच रहे हैं आज का गोभी का, एक नोएडा में पराठा पता है कितने का देता है? 100 रुपए का एक पराठा देता है। हाँ। सिर्फ एक तो समझ ले, बुआ का एक पराठा 50 रुपए में बेका और एक कटोरी में दही बेकी, बुआ ने कितने कमा लेंगे। दाल का, प्याज का, मूली का, गोभी का, आलू का, मेथी का, चावल का भी बनाता है। चावल का बुआ को सबके पराठे बनाने आते हैं, हर चीज के पराठे बनाने आते हैं। मैंने तो बुआ के पास बैठ के ही खा लिए गरम गरम पराठे, अब सबके लिए अंदर लेके जा रही हूँ और चाय भी तैयार है, बुआ चाय लेकर आ रही है, अब बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट। मैंने तो कर लिया है, खा ले। ये देखो पराठे आते ही ना बाबू ने प्लेट उठा ली, अपना अलग पराठा लेके बैठा है। खा लो। और अम्मा अब नहाकर और पूजा करके अब आई है और दीदी आ गई है। मम्मी को देखने जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जा रहे हो? कौन कौन जा रहा है दीदी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल? मैं, बुआ और नानी काजल। अच्छा, शाम के 3 बजने वाले, नानी तो अभी तक आई नहीं है, तो दीदी कह रही थी कि हम लेट हो रहे हैं, तो अभी मैं, बुआ और दीदी और साथ में अद्दू भी जा रही है हॉस्पिटल। तो हम ऑटो में बैठ गए हैं और भाई ऑटो में बैठ के जो हवा लग रही है ना बाहर से, मुझे तो ठंड लग रही है लेकिन बुआ और दीदी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम मम्मी के पास पहुँच गए हैं और मम्मी से मिल रहे हैं हम। मम्मी एकदम ठीक है ना मम्मी? हाँ ठीक है, सीरीज है। और ये देखो मम्मी के हाथ में ना यहाँ पे सुई लगती है, मतलब ग्लूकोज चढ़ता है। ये रखी मम्मी की दवाइयाँ, ये चढ़ती है मम्मी के। मम्मी तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। खाना वाना टाइम पर खाती हो? खाना टाइम पे मिल रहा है, नाश्ता भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सही है। और ये हाथ कब ठीक होएगा? ये सुई निकलती ठीक है, छुट्टी होती सही है। छुट्टी कब होगी मम्मी? छुट्टी तो कल या परसों होगी शायद। बिल्कुल ठीक हो ना अब? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे चेकअप कराने आई थी। मम्मी से मिलकर आ गए हॉस्पिटल में और मम्मी एकदम ठीक है। अभी थोड़े दिन बाद मम्मी की छुट्टी हो जाएगी और मम्मी के सारे चेकअप हो गए और मम्मी एकदम ठीक है। अद्दू हम मम्मी से मिल के घर आ गए हैं और भाई मेरे को तो बहुत तेज ठंड लग रही है बाहर, ऐसा लग रहा है आग जला लूं। भाई मैं जब से बाहर गई हूँ ना, क्या हो गया? तूने कहा चुप हो जा, बोल रही है। बुआ के दांत में दर्द हो रहा है। भाई मैं जब से बाहर गई हूँ ना मुझे तो ठंड लग रही है। यहाँ से गए ऑटो में हवा लग रही, जब मुझे ठंड लग रही, अब आते टाइम ठंड नहीं, आते टाइम तो हम कैब में थे लेकिन जैसे ही कैब से बाहर उतरे हो भाई इतनी ठंड, मैंने तो घर आके पहले अपना कंबल वाला स्वेटर पहना है। अब मम्मी ने चाय बना दी, गरम गरम चाय बना दी तो मजा आ गया भाई। मम्मी के हाथ की चाय पी के ना और चिट्ठी खा के अपनी चीज और घर की बनी मठिया खाएंगे। और गाइस आज काजल दीदी जा रही है अपने घर वापस। और ये देखो काजल दीदी जब आई थी ना, जब एक बैग लेकर आई थी, एक ही आज भी नहीं है वो भी बड़ा वाला, अब लेके जा रही है दीदी 3-3 बैग। एक एरा एक पहली भिजवा दिया, इसमें संजू ने सामान भरवाया बैग में ना, मैंने अपनी शॉपिंग करी। वही अम्मा कह रही 2 भेजे पहले, 2 भेज दिए पहली। अम्मा ने दिया उसमें सामान भर के 2 बैग दीदी के पहली चले गए घर। और एक एरा एक मैंने टांग रखा है, एक एरा दीदी जब भी जाती है ना अपने घर
तीन चार बैग हो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे शॉपिंग करके जाती हूँ मैं, ठीक है ना, तेरा सामान नहीं भरती और ना तू दिलवाती। कई बोलते जब घर पे आती है ना दीदी तो खाली हाथ आती है, और जब जाती है तो चार बैग लेके जाती है। आप मुझे पैसे तो दे जाओ यार, बड़ी बहन है, 10 रुपए, हम बड़े हो गए हैं, 10 रुपए नहीं लेते हम। नहीं, हमें भी तो नहीं मिलते थे जब तेरे जितने थे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम वो थोड़ी खाएंगे लोजी कुरकुरे, अब हम मोमोज वगैरह खाते हैं, तो कम से कम 50 रुपए तो मिलने चाहिए। अब बेटे ये हुई ना बात, अब कब आओगी? अब पता नहीं, देखते हैं। सबसे ज्यादा मिस किसको करने वाली हो? मैं, हाँ मैं किसी को भी नहीं। झूठ बोल रहा है। अभी जाते जाते रो रही थी। ये बाहर तक छोड़ कर आ। ओ भाई साहब, अरे भालू इतना मोटा होता जा रहा है, पर तू खाने नहीं खा पा रहा। भाई दीदी के इतने सारे बैग हो गए, कुछ सामान रह गया तो भिजवा देना। ठीक है, बाद में भिजवा देंगे या मैं ही रख लूंगी। वंश पैसे ले ले काजल, दीदी जा रही है जल्दी। हाँ अरे नहीं तू तो कर, अरे नहीं नहीं रहने दे, नहीं मुझे तृप्ति को भी मिल गए। तो आज काजल दीदी जा रही है अपने घर वापस। कब आई थी हमें तो याद भी नहीं है, कब आई थी, कितने दिन हो गए? सोनू भैया कहाँ गए? उन्हें बहुत खुशी थी है ना। ये देखो जाते जाते भी काजल दीदी रोते हुए जा रही है। मम्मी दीदी रो रही है, चुप कर आओ ना। आती हंसती हुई है, जब भी जाती है रोते हुए जाती है, हमेशा रोती है। अरे कोई नहीं, कल आ जाना है ना, 2 दिन बाद आ जाना। वीर बाजार है, परसों वीर बाजार है, बुला ले। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, परसों वीर बाजार है, आ जाना। अभी शॉपिंग करने आएगी, मैं आ रही वीर बाजार आने। हाँ अड्डू हंसाएगी मासी को। प्राची ने हंसा दिया, अबे तू क्यों रोने लग गई? वो खुशी के मारे गाना गा रही है। अड्डू कैसे हंस रहे हैं सब? हसा दिया ना हमने। मैं चली सजन घर मैं चली। अरे भाई सब रोने लग गए क्या, ऐसा लग रहा है मामा को दुबरा गोदी में उठा के वहां तक छोड़ कर। अरे विदाई थोड़ी हो रही है गाइस। आज काजल दीदी चली गई है अपने घर वापिस, और घर एकदम सूना सूना सा हो जाएगा। वो क्या सोच रही हो? बर्तन धो के आई, देखा ठंड लग रही है। अरे भाई मेरा तो आज पता है कैसा मन कर रहा है कि मैं आग जला लूं और बैठ जाऊं। ठंड हो रही है, सबसे ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। और ये देखो भैया आ गए, क्या लेकर आए भैया? जूते। शूज दिखाओ भैया, ब्लैक कलर के अच्छे लग रहे हैं। मम्मी आज खाना क्या बनाया है? आलू मेथी। मुझे खुशबू आ रही है मम्मी मेथी की और आलू मेथी की, और साथ में मम्मी ने पराठे बनाए नमक के भैया के लिए। ओए होए, सुबह मैंने गोभी के पराठे खाए थे और अब मैं खाऊंगी मेथी आलू के पराठे। तो भाई पराठे खा के तो मैं ऐसी हो जाऊंगी है ना मम्मी, पराठे खा के मोटी हो जाऊंगी मैं। तो चलो गाइस, अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वेब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।